पर आज मेरी नजर है उसका नाम है पोकरना और इस स्टॉक पे मेरी नजर इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड बेस इफेक्ट के चलते हमने एक टर्न अराउंड की शुरुआत जो देखी थी, ऐसा लग रहा है यहाँ पर संकेत की आगे आने वाले नतीजे भी आपको बेहतर दिखाई देंगे। स्टॉक में एक अच्छे करेक्शन के बाद हमने खरीदारी आते हुए देखी है और अगर आप देखें तो पहली छमाही के दौरान इस कंपनी का मुनाफा करीब 75% से बढ़ा था और पहली छमाही के दौरान इसकी सेल्स करीब 26% से बढ़ी थी। आपको ख्याल होगा ये एक ग्रेफाइट के कारोबार वाली कंपनी है जो माइनिंग करती है, पॉलिशिंग करती है और सप्लाई करती है और इसके क्लाइंट्स में आइकिया जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। एक्सपोर्ट्स का कारोबार भी है इस कंपनी का, खासतौर पर जो ये गॉड्स फिनिश वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका ये एक्सपोर्ट अमेरिका में भी करते हैं। तो इस कंपनी के जिस तरह का हमने खरीदारी का रुझान देखा है, इसकी बिक्री का रुझान देखा है और पिछले साल चूंकि ये माइनिंग के कारोबार में है और वो कारोबार एक ऐसा होता है जहां पे कभी कभी कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हैं, तो पिछले साल कुछ कंस्ट्रेंट्स से वो दूर होते हुए नजर आए हैं जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर्स में हमने फिर से इजाफा देखा है और इस समय इसका जो कारोबार है वो करीब करीब अपने फुल कैपेसिटी के आसपास आ चुका है, ऐसे संकेत पिछले क्वार्टर्स के दौरान मैनेजमेंट ने दिए थे और अब ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर आपको हैदराबाद में एक नई कैपेसिटी इनकी अमल में आती हुई दिखाई देगी। जो इनकी सब्सिडरी है पोकरना इंजीनियरिंग स्टोन लिमिटेड, वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं इस टर्न अराउंड के लिए, इस एक्सपेंशन के लिए। अब आगे यहाँ पर आपको आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जब एक्सपेंशन होगा तो उससे कंपनी का खर्चा बढ़ेगा क्या, उसके ऊपर कोई बोझ आएगा क्या। उस लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज का रेशियो है वो तकरीबन 5 से 6 गुना है, 5 to 6 times है और इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर आगे कैपेक्स के लिए इस कंपनी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती हुई दिखाई देगी। इस समय ये शेयर करीब 10 के आसपास पी पर चल रहा है और मुझे लगता है कि आपको अगर आप इसको 12 के आसपास का भी एक पी देते हैं अगले साल के लिए, जो कुछ एक लोकल ब्रोकरेजेस इसको ट्रैक करते हैं और उनके जो अनुमान है उन पर जो मैंने नजर डाली है उस लिहाज से मुझे लगता है कि आप यहाँ पे 210 रुपए के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। स्टॉक पे HDFC म्यूचुअल फंड करीब 4.25% की शेयर होल्डिंग रखते हैं और जाने माने HNI इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का भी यहाँ पर काफी वक्त से हिस्सा है, करीब 6% के आसपास की हिस्सेदारी वो रखते हैं। उम्मीद इस समय ये की जा रही है कि इस क्वार्टर के नतीजे बेहतर होंगे और उस लिहाज से अगर आपको एक स्टॉक चुनना है तो ये वो शेयर साबित हो सकता है। बाबा जी आपके नजर है इसके चार्ट पे, जी हाँ, क्या दिखाई देता है आपको? देखिए काफी 3 दिनों से तो काफी दौड़ चुका है, यहाँ लेना है तो स्टॉप बहुत डीप चाहिए, स्टॉप होना चाहिए कम से कम 160 का, डिप्स लेना है तो लेना चाहिए लेकिन नजरिया लंबा चाहिए। ये आज और कल का ट्रेड नहीं लगता है, लो वॉल्यूम स्टॉक है इसे लेना चाहिए, टारगेट करीब 200-210 के हो सकते हैं लेकिन उसे वक्त लगेगा, लेने की जगह थोड़ी अब 1-2 दिन के लिए नहीं है लेकिन थोड़ा वक्त 10-15-20 दिन का देनी है तो उसके लिए अच्छी जगह है। 200-210 के टारगेट जो हम दे रहे हैं आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप इंस्टेड मैं कहूंगा एक स्ट्रेटजी आप थोड़ा ले लीजिए, स्टॉप डीप रखिए और लोअर लेवल्स मिलते हैं तो ऐड कीजिए, अगर नहीं मिलते तो मारो गोली, ओके जो इतना है उसी में खुश रहिए। बिल्कुल ये अच्छी स्ट्रेटजी आपकी। आप अगले साहब देख रहे हैं कुछ जोड़ना चाहेंगे? 65 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 215 का टारगेट रहेगा, तो 15 रुपए रिस्क, 35 रुपए टारगेट, टाइम फ्रेम